सब्सक्राइब करिए AR इन्फिनिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस आपको न्यू सेटअप कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, तो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। सो हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल AR इन्फिनिटी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि इंप्रेशन कैसे देख सकते हैं अपने चैनल के। दोस्तों आपको सबसे पहले अपना क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लेना है, उसमें आपको यहाँ पे एनालिटिक्स में नीचे व्यू मोर का ऑप्शन दिख जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एनालिटिक्स है, यहाँ पे आपको अपने एनालिटिक्स दिख जाएंगी और यहाँ नीचे की तरफ आपको आप देख सकते हो मेरा किड्स फेयरहाउस वाला चैनल है। अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक व्यू मोर का ऑप्शन मिल रहा है ऊपर, अब मैंने इस व्यू मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बहुत सारे पेज खुल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं ये ओवर रिव्यू का पेज खुल गया, यहाँ पे आपको अपना वॉच टाइम व्यूज और एवरेज वगैरह सब दिख जाता है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको इसके बाद आएगा रेवेन्यू। दोस्तों रेवेन्यू के बाद जो यहाँ पे आपको डिस्कवरी दिख जाता है, आपको इस पर डिस्कवरी पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे इंप्रेशन दिख गए। इंप्रेशन दोस्तों वो होते हैं यूट्यूब आपकी वीडियोज को कितने लोगों के पास पहुँचाता है। आप देख सकते हो ये आप देख सकते हो 183,000 कुछ है, मतलब 183,000 लोगों के पास मेरे वीडियोस को यूट्यूब ने पहुंचाया है, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक करा वो क्लिक पर रेट में आपको नीचे दिख जाएगा। तो दोस्तों इंप्रेशन होने ही कहते हैं जिन लोगों तक आपको यूट्यूब वीडियोस पहुंचाता है। अगर दोस्तों आपके आपके अगर 1-2 लाख इंप्रेशन है और व्यूज 20 या 30 हैं तो दोस्तों आप समझ जाइए आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, टाइटल अच्छा नहीं है जी, और आप कह सकते हो मेटा डेटा अच्छा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेटा डेटा अच्छे से लिखना नहीं आता है या प्रॉपरली लिखना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने प्रोफेशनली बताया कि कैसे लिखते हैं मेटा डेटा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और एक बात और दोस्तों, इंप्रेशन में जाके आप यहाँ पे लास्ट 7 डेज लास्ट 65 डेज और लास्ट 365 डेज भी देख सकते हो कि आपके इंप्रेशन कब बढ़े कब घटे। आप देख सकते हैं मेरे पिछले महीने कुछ ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ गए थे और अब कुछ ज़्यादा ही गिर गए। So thank you very much for watching this video guys, stay tuned and stay watching.